ये है दिल्ली दर्पण। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जूही तोमर और आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। सराय रोहिल्ला किशनगंज मार्केट के दुकानदार अपनी दुकानों के बाहर लगी अवैध सब्जी मंडी से परेशान हैं। इनका दर्द है, लॉकडाउन में जब इनकी दुकानें बंद रही तो उनके सामने सब्जी बेचने की दुकानें लग गई। ये दुकानें स्थायी रूप से ले चुकी हैं। हर स्तर पर शिकायत करने के बाद भी इनकी कोई सुनने को तैयार नहीं है। क्या है इनकी शिकायत, देखिए ये रिपोर्ट। सब्जियां बेच रहे हैं, गंदगी फैलाते हैं, ज्यादा जन हानि होने के खतरे की हम इंतजार कर रहे हैं प्रशासन की लापरवाही की वजह से। परेशानियाँ यहाँ पर क्या है मैडम जी? रोड के ऑन द रोड जो है इसके ऊपर सब्जी मंडी लग रही है। लॉकडाउन के जब हमारी दुकानें बंद थी तब लगनी चालू हुई थी, उसके बाद सारा दिल्ली सारा देश अनलॉक हो गया है, मगर इनकी सब्जी मंडी के अंदर अपनी अपनी दुकानें हैं और इन्होंने अपनी अपनी दुकानें सारी जो हैं किराए पर चढ़ाई हुई हैं और रोड के ऊपर कब्जा करके और सब्जियाँ बेच रहे हैं, गंदगी फैलाते हैं और हमारे कस्टमर आते हैं उनको गाड़ी नहीं खड़ी करने देते उनको, हमारा व्यापार तक हमारा चौपट हो रहा है। फिर आप तक पीते हैं मेन रोड पर खड़े होके। ये 20 फुट की रोड है, उसमें से ट्रैफिक के लिए सिर्फ 4 फुट की रोड इन्होंने छोड़ी है और बहुत ज़्यादा जन हानि होने के खतरे की हम इंतज़ार कर रहे हैं प्रशासन की लापरवाही की वजह से। कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है सिर्फ इसी वजह से कि 20 फुट जगह में 16 फुट इन्होंने रोकी है और 4 फुट में कारें ट्रक निकलते हैं उनको हटाकर। कब से ये समस्या जो है? 1.5 साल हो गया। 1.5 साल हो गया। हाँ जी। इससे पहले आपने किसी से शिकायत नहीं किया? वो हर लेवल पर शिकायत की है लेकिन अभी तक किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, किसी भी एजेंसी ने कोई जवाब नहीं दिया इसका। यहाँ पर हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या यहाँ पे कई दिन से हमने सभी जगह SHO साहब को भी कंप्लेंट करी, ACP साहब को भी कंप्लेंट करी। SHO कौन है? SHO अभी तोमर साहब हैं, उनको भी कंप्लेंट करी। उस सबके चिट्ठी हमारे पास अवेलेबल हैं इस टाइम, लेकिन किसी ने भी कोई हमें संतुष्टि MCD में भी करी है, संतुष्टिजनक जवाब हमें कहीं से नहीं मिला। हम हर एक को ये कहते हैं भी हमारी जो परेशानी है उसको सॉल्व किया जाए और इनको जो है सही जगह जहाँ हैं वहीं भेजा जाए। यहाँ पे मेन रोड पे इनका कोई टुक नहीं बनता। जो ये परेशान कर रहे हैं ना, हमारी कस्टमर आते हैं उनको गाड़ी खड़ी करने की जगह है, शाम को इन लोगों ने शराबें पीनी, गाली गलौज करना, कहते हैं तो लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं हमारे साथ। MCD में आपने किससे कंप्लेंट की? MCD में उपायुक्त जो हैं सिटी सदर जोन के, उनको मैंने 2 बार कंप्लेंट की है और उपराज्यपाल जी को भी 3 बार मैंने की है। कोई आज तक मेरे को ना जवाब आया है ना उसका कुछ एक्शन हुआ है आज तक। ये जो एरिया है इतना, ये किसके अंडर आता है, किसके कौन कवर करते हैं इसको? सिटी सदर जोन। हाँ, उनसे आपने एक भी बार बात करने की कोशिश की? बात की मैडम, मिलते नहीं, ऑफिसर होते नहीं सीट पर जब हम जाते हैं। और बाकी रिटर्न में मैंने की हुई है, मेरे पास उनकी कंप्लेंट की कापी तक है। कोरोना की रोकथाम के लिए दिल्ली में मार्केट बंद रहे लेकिन फल और सब्जी वालों को छूट रही, इतनी छूट कि ये कहीं भी अपनी दुकान लगा सकते हैं। नॉर्थ दिल्ली के सराय रोहिल्ला के किशनगंज मार्केट के सामने भी ऐसा हुआ। यहाँ भी सब्जी वालों ने दुकानों के आगे सड़क पर अपनी दुकान लगा ली। अब ये हटने को तैयार नहीं है, ये लगातार बढ़ती ही जा रही है। हर तरफ से निराश इन दुकानदारों ने दिल्ली दर्पण टीवी के जरिए अपनी बात पुलिस प्रशासन तक पहुंचाई। अब इसे वोट बैंक की राजनीति कहें या भ्रष्टाचार, इन दुकानदारों की कोई सुनने को तैयार नहीं है। सड़क पर बैठे ये सब्जी वाले इतनी तादाद में हैं कि सड़क दुर्घटना और जाम की शिकायत भी आम है। दुकानदारों का कहना है कि ये दुकानें पहले गंदे नाले के पास लगती थी और दोनों जगह लग रही है। नगर निगम और नेता सबको शिकायत की जा चुकी है लेकिन इन्हें कार्रवाई का इंतजार है। ये परेशानी कब से बनी हुई है? ये 1.5 साल के लगभग से बन रही है, जब से कर्फ्यू लगा था। लॉकडाउन से बनी हुई है? लॉकडाउन से पहले, लॉकडाउन से पहले सब ये अंदर थे। आप लोग इनसे बात करने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है? बात मतलब क्या करना है, गाली गलौज करते हैं, बोलते हैं राजी नहीं है, कहते हम तो यहीं लगाएंगे जी। अच्छा, तो इनके पास कोई कागज कोई कुछ नहीं है? ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रूफ है कोई पास प्रूफ नहीं है? नहीं नहीं, यहाँ लगाने का कोई प्रूफ नहीं है ना ही, मतलब इनको RAD अलाट किया है, इनको RAD मंडी में जगह मिली हुई है,
वो अपनी जगह किराए पे देंगे। जिस तरह जब लॉकडाउन में बाहर बैठे तो बाहर ही इनको हमारी दुकानें बंद थी, ये बैठ गए तो बैठ गए, परमानेंट होते चले गए। उसके साथ ये एडजस्टमेंट होती रही साथ साथ ही, अब दुकानें जो बंद हैं उनके आगे लोग बैठने शुरू हो गए, ये इस तरह बैठे हुए हैं खामा खाई मतलब दुकानों के आगे। अब यहाँ जब गाहक खड़ा होगा तो अंदर मतलब अपना हमारी दुकान पे गाहक नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है मिली भगत चल रही है? मिली भगत के बगैर तो काम होते नहीं है कोई भी। लॉकडाउन के टाइम पे जब यहाँ पे दुकानें बंद थी तो पुलिस वालों ने इनसे कहा कि भाई अंदर जो है ज़्यादा भीड़ होती है तो कोरोना फैल जाएगा, आप लोग ऐसे करो या तो बाहर लगा लो, तो टेम्परेरी इनको यहाँ पे बिठा दिया गया। अब इन लोगों ने यहाँ पे परमानेंट अपना अड्डा बना लिया है, अंदर की अपनी दुकानें रेंट पर दे दी हैं, उधर से कमाई हो रही है, इधर से कमाई हो रही है, परेशानी दुकानदारों को हो रही है। क्या इसकी वजह से जाम भी लगता है और एक्सीडेंट्स भी होते हैं? जाम भी होता है, जाम एक कई बार आधा आधा घंटा जाम लगा रहता है। अब इनके कस्टमर बीच में गाड़ी खड़ी कर रखी है, वहाँ से कोई भी ट्रक आता है उस वजह से जाम लग जाता है। वो हॉर्न बजाता रहेगा, ये गाड़ी नहीं हटाएंगे, जब तक गाड़ी नहीं हटाएंगे तो रोड नहीं खुलेगा। हम इनको कितनी बार कहते हैं भाई थोड़ा सा रोड क्लीन करो, कोई सुन के राजी नहीं है, सब अपनी अपनी करते हैं, मानते नहीं है। बेशक इन सब्जी वालों का भी रोजी रोटी कमाने का हक है, लेकिन सवाल है कि क्या कोई भी कहीं भी इस तरह अवैध मंडी लगा सकता है? पुलिस प्रशासन और नगर निगम इन्हें लगाने देता है और इन गरीब लोगों से भी नियमित अवैध वसूली शुरू हो जाती है। सब्जी मंडी की मजबूरी मार्केट की मुसीबत क्यों बने, यही सवाल लेकर ये सरकार के हर नुमाइंदे और नेता के पास भी जा रहे हैं, पर इनकी जायज बात भी सुनने वाला कोई नहीं है। कैमरा पर्सन सोनू के साथ जूही तोमर की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.dailydarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर